बुंदेलखंड के ललितपुर गांव का एक लड़का जो एक राज परिवार से है, लेकिन ठाकुरवाद से या यूं कहूं सामंतवाद से कि जो जकड़ी हुई जो नियम हैं या जो कुरीतियां हैं या रीतियां हैं उनसे ऊब चुका है और वो घर से भाग जाता है। भागते भागते वो पहुंचता है ग्वालियर और ग्वालियर से उसको दिल्ली जाने का रास्ता समझ में आता है, लेकिन टिकट भी नहीं होता, रेलवे टिकट लेने के पैसे भी नहीं होते हैं। किसी तरह जब टिकट का बंदोबस्त होता है तो वो धीरे धीरे एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे कहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पर उस लड़के पर हाथ पड़ता है ओमपुरी जी का और उसके बाद वो अभिनेता बनते हैं, निर्देशक बनते हैं, राजनेता बनते हैं और वर्तमान समय में बॉलीवुड और पॉलिटिक्स दोनों को इक्विलिब्रियम वे में नाप तौल करते रहते हैं। नमस्कार, मैं शोभा अक्षर संडे पोस्ट के टॉपिंग टेबल पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं उनका पूरा नाम है, मैं बाद में बताऊंगी मैंने ये क्यों कहा पूरा नाम, उसके भी किस्से हैं कि वो आधा नाम क्यों हो गया। पूरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला। आप वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के और भाजपा और कांग्रेस की बड़ी इनके जीवन में जो है शनि की दशा चलती रहती है, या यूं कहें भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। और बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा जो एक बहुत बड़ा अभियान है, या मैं कहूँ क्रांतिकारी अभियान है बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने का, उसके आप अध्यक्ष भी हैं। सर, द संडे पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, जो आप घर से भाग निकलते हैं उस ठाकुरवाद से और सामंतवाद से मैं कहूँ ऊब कर, वो किस्सा ज़रा थोड़ा सा बताइए, वो लड़का क्यों भाग जाता है वहाँ से, एक राज परिवार का लड़का क्यों भाग जाता है? कई बार आप ज़िंदगी में लाइन से हटके जब सोचते हैं तो आपको लाइन से हटके काम भी करना पड़ता है। मुझे बहुत बार ये लगा था जब मैं लोगों से मिलता था कि एक वर्ग के साथ, विशेष वर्ग के साथ, वहाँ के राजाओं ने, महाराजाओं ने, ज़मींदारों ने दुराचार किया, उनके साथ अन्याय हुआ है। अब उस अन्याय को मैं राज परिवार के साथ रह के तो ठीक कर नहीं सकता था जी। क्योंकि वो उसके विरोध में था। और ये मैं आपको 40 साल पहले की बात, हाँ वो हिस्सा थे उसके, और मुझे लग रहा था कि ये गलत हुआ उन लोगों को, वो भी आखिरकार आप कैसे किसी व्यक्ति को सोच सकते हैं कि वो आपके घर के से निकले तो सर पे अपने जूते रखे, जब आपको नमस्ते करे तो पूरा ज़मीन पे झुक जाए, और कुछ ऐसी आपकी घर की जो जितनी गंदगी है उसकी महिला साफ करे सालों दर साल। अब वो दुख तो था, तकलीफ़ भी थी, लेकिन संस्कार में वहाँ रहते हुए उनमें कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे पूरी रूढ़िवादी ठकरास में वही परंपराएं सब चल रही थी। फिर ये हुआ कि किसी न किसी तरह से निकलना होगा अगर ज़िंदगी को कहीं कोई मायने देना है, कहीं पहुंचना है। अदरवाइज़ मैंने जो होश हवस में देखा था कि अच्छे से अच्छे लोग जो विचारधारा को मैं उसमें बिलीव नहीं करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद उसी विचारधारा के फॉलोअर हो गए, भले ही डायरेक्टली वो इन्वॉल्व ना रहे हों लेकिन वो उसी के हिस्सा हो गए। सहमति असहमति होती हो भी सहमति हो गई, और मुझे लगा कि इसको छोड़ना पड़ेगा, तो वो पहली कड़ी थी और छोड़ने के लिए घर से निकलना होगा। तो नहीं, वो तो ठीक है, आपने उस चीज़ को परिवर्तन के लिए, एक मानवता को बढ़ाने के लिए और सामाजिक जो रूढ़िवादी है उसको परिवर्तन करने के लिए आप निकले, वो तो समझ में आता है। पर कांग्रेस नहीं, मैं कोई समाज सुधारक बनने नहीं निकला था, मैं केवल ये कि मैं उसका हिस्सा ना रहूं, गाहे बगाहे मैं कम से कम उस बात का जवाब देना हूं कि उस सिस्टम का मैं भी एक हिस्सा था। और हाँ, क्योंकि मैं होश हवास में भी और उस सोच में भी बिल्कुल हिस्सा नहीं होना चाह रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को निकाला। फिर बात का तो जो आपने कहा वो बिल्कुल अलग हिस्सा है, लेकिन उस वक्त जो डिसीजन था कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, आई हैव टू बी अवे फ्रॉम इट, एंड इफ आई वॉन्ट टू बी अवे देन आई हैव टू बी अवे प्रैक्टिकली। वो तो ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में जब आपने राजनीति में कदम रखा आंशिक रूप से मैं कहूँगी, ना कि
पूरी तौर से। आंशिक रूप से जब आपने कदम रखा राजनीति में, तो कहीं ना कहीं आपका कांग्रेसी विचारधारा रहता है, फिर ये अचानक से स्वार्थवश, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ सर क्षमा के साथ, स्वार्थवश भाजपा का दामन थाम लिया आपने, ये सफर कैसा रहा? पहली बात तो मैं राजनीति का मेरा कोई लक्ष्य नहीं था जी। और ना ही राजनीति मैंने राजनीति के लिए की है और ना कर रहा हूँ। मैं सिनेमा में ठीक ठाक काम कर रहा था और उस वक्त जब मैं राजनीति, जिसकी आप बात कर रही हैं, जो स्वार्थवश की बात कर रही हैं, उस वक्त हम उन गिने चुने एक्टरों में थे, कमल जी, तिनीना गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता जी, रघुवीर यादव, हम लोगों को सीरियल में 30-40 हज़ार रुपये पर डे मिलने शुरू हो गए थे, जो लोगों को अब अचीव हो रहे थे। तो मैं एक अच्छी खासी इस्टेब्लिश ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ नहीं आता। अगर राजनीति करनी थी तो मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, उन्होंने बाकायदा फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी है। मेरे ख़ानदान में मेरे ताऊ जी के बेटे 2 बार सांसद रहे हैं और विधायक रहे हैं। मैं उनका अकेला आदमी था जिन्होंने विरोध किया। मैंने उनकी राजनीति का विरोध किया, उनकी कार्यशैली का विरोध किया और उस ठाकुर समाज और क्षत्रिय समाज के उस बुरे भाव को मैंने विरोध किया। मेरा अगर स्वार्थ होता तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि मैं उसी राजनीति में रह के अभी सांसद भी बन चुका होता जी। अभी किसी क्षेत्र का मंत्री भी बन चुका होता जी। ये केवल राजनीति में आया फिर जी। केवल बुंदेलखंड को लिए, बुंदेलखंड अलग राज्य बने जी। लगभग 5 करोड़ लोगों के साथ जो जो हो रहा है उसकी लड़ाई के लिए मैं उसका हिस्सा बना, वरना मेरा इस तरह से कोई राजनीति में आने का कहीं कोई मन नहीं था और ना कोई मेरा लक्ष्य था जी। नहीं, मैंने स्वार्थ शब्द जो है इस्तेमाल किया वो शायद व्यक्तिगत तौर पे नहीं किया। नहीं, हम सब स्वार्थी हैं किसी न किसी रूप में, इसको आप डिनाई थोड़ी कर सकते हो। वीडियोस में कहते सुना है कि आपने कहा कि सत्ता का विरोध करके हम अपनी बात उनसे नहीं मनवा सकते। बिल्कुल सही। द सेम सेंटेंस दैट यू टॉक्ड ऑन द अनदर मीडिया चैनल्स, दैट्स व्हाई आई सेड कि स्वार्थ आपने, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि आपने कहा कि अब इसको मैं जस्टिफाई कर दूं आपको। मैं 18 साल सत्ता के बाहर रह के लड़ा हूँ। हम लोगों ने पैदल यात्राएं की हैं जी। हम लोगों ने मशाल यात्राएं की हैं, हम लोगों ने विकलांगों को लेके हमने धरना प्रदर्शन किए। ऐसा कोई हिंदी की और उस किताब में नहीं है जिसमें संघर्ष के वो रास्ते ना हो, एक्सेप्ट हमने ना बसें जलाईं, ना हमने ट्रेनें रोकी, हमने ना किसी जान माल को नुकसान पहुँचाया। तब हमें लगा कि ये सत्ता में रह के अगर आप जितने भी 3 राज्य बने, इसके पहले 4 राज्य केवल तेलंगाना को छोड़ के, तेलंगाना में बहुत विध्वंस हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, उत्तराखंड का एक आंदोलन था, छत्तीसगढ़ में शांति से हुआ, झारखंड में भी एक सत्ता में आके ही शिबू सोरेन और सूरज मंडल जी ने किया। हमको ये बहुत से लोगों ने कहा कि सड़क पर नुकसान करके लोगों को मार के लोगों को जेल में भेज से बेहतर है उस सत्ता के साथ मिलकर उनको बात समझाओ ना कि क्यों अलग राज्य चाहिए। आपको विकास के लिए बात कर रहे हो, विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आप 7 नदियों का पानी आपके पास है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग आपके पास नहीं है। 4 जगह आप बिजली बनाते हैं और वो बिजली आपको इसलिए नहीं मिलती है कि आपका ना सांसद, ना विधायक, ना आपका जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो इस बात को कहता है। वो चुपचाप जाके विधानसभा में बैठ जाता है, चुपचाप जाके लोकसभा में बैठ जाता है। तब ये लगा, वो किसी भी पार्टी का है, क्रॉस पार्टी लाइन, तब ये लगा कि क्यों नहीं हम जाएँ, क्यों नहीं मैं किसी सत्ता के साथ रह के उनसे अपनी बात मनवाए। हमने तो कोई पद नहीं लिया, हमने तो, मैंने तो अपने बच्चे की नौकरी नहीं लगवाई, ना अपने मामा चाचा को ट्रांसफ़र के लिए कहा, मंतव्य नहीं था ना हमारा। आज भी यही है, बीजेपी के साथ भी यही है कि मेरा लक्ष्य है 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों को उनका हक मिलना चाहिए। हम बिजली हम बनाए, नोएडा में बिजली का फ़ायदा हो, यहाँ के कार जो टैक्स छोड़ लोग यहाँ पे अपना काम करें और बिजली हमारी, हम 6 घंटे अंधेरे में बिजली ले और 18 घंटे हम अंधेरे में बैठे, ये कहाँ का न्याय है, मुझे बताइए ना। तो मॉनिटरिंग के चक्कर में हम यही कहते हैं कि अगर जिस पे जिस आदमी का हक है जो उसका है, उसको पहला हक उसका है, उसके बाद वो कहीं जाना चाहिए। कुछ ही यूनिट्स आपको देनी है जी। तो उनका आप बात कर रहे हैं कि 7 नदियों की बात कर रहे हैं, बिजली प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं और जो वहाँ की, अब आप भाजपा में भी हैं और वहाँ की इतनी भी नहीं, केवल 2 ही पार्टी हैं भी, मतलब तो आप ऐसे करें कि मैं पूरा परिचर्कर्मा लगा के आया हूँ, केवल कांग्रेस में और फिर भारतीय जनता पार्टी, दैट्स ऑल, और अब रहूँगा इसी में ही। अच्छा, यूनिफॉर्म है 100%, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश का भविष्य
इस पार्टी के साथ है, ये पार्टी की विचारधारा। अब वो आप सवाल करेंगे तो हम जवाब दे देंगे जी। निश्चित तौर पर देश के लिए और जन जन के लिए अगर कहीं कोई नियति है और नीति है तो इनके पास है। नियत है, नीति है, इनके पास है। इनके पास उमा भारती जी भी तो हैं, जो बुंदेलखंड से निकली हैं, खुजराहो से उन्होंने सीट से अपने राजनीति की शुरुआत की और फिर मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कुछ ऐसा इनिशिएट क्यों नहीं लिया, क्या कमी रह गई या आप लोग ने कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने बहुत बार अलग बुंदेलखंड राज्य की बात कही, और इनफैक्ट लास्ट चुनाव में भी, इसके पहले वाले चुनाव में जब वो झांसी से जीती जी। तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनवा दूंगी, और उसके बाद उन्होंने कहा था वो पता है। अब वो क्या उनका खुद का सर्वे था, क्या उन्होंने किस रूप में ये बात कही, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कद्दावर नेता है और देश की राजनीति में उनका बड़ा योगदान रहा है मध्य प्रदेश से लेकर, और बुंदेलखंड की एक बड़ी नेता है, तो लोगों ने बहुत गंभीरता से उस बात को लिया। उनका आकलन क्या था, वो 3 साल के बाद वो नहीं बना और ना ही इसकी कोई घोषणा हुई, तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ वो जवाब नहीं दे पाई तो दूसरे उनके बाद जो नेता कहीं प्रेस में या गए तो जनता ने उनको घेरा, और इस बात का जवाब उमा जी को ही देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या सोच के कहा था, उनका आकलन क्या था और क्यों नहीं हुआ। मतलब ये था कि आप लोग ने कोशिश नहीं की क्या? अब हम में तो जाने हम तो हम अभी चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने और उमा भारती जी पहली वहाँ की मुख्यमंत्री बने। उनसे बढ़िया मार्गदर्शन और कोई दे नहीं सकता है, इतना सक्षम है, इतनी पढ़े लिखी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो भी अकेली पड़ गई। अगर वो लड़ती तो हम सब साथ हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ कि उमा भारती से बेहतर कोई बुंदेलखंड में चॉइस नहीं, उनको बनना चाहिए जी। मैंने पिछले दिनों अभी एक बात कह दी तो उसमें बहुत नाराज़ हो गई, किसी प्रेस वालों ने कहा कि वो बुंदेलखंड की समस्या हो गई है, क्या हुआ? तो हमने कहा उमा जी ने 3 साल की बात कही और वो आंकलन पता नहीं क्या था, उसकी वजह से रायता फैल गया जी। अब रायता वो दैट वेंट रॉन्ग, उसने नेक्स्ट डे हेडलाइन लगाई कि उमा भारती ने बुंदेलखंड का रायता फैलाया। अब वो नाराज़ हो गई मुझसे। हमने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं है, मैं आपको क्यों, सीनियर लीडर हैं। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ और मुझे लगता है कि उमा जी को इस लड़ाई को लेना चाहिए, और उमा जी अब उस तरह की राजनीति नहीं कर रही तो बुंदेलखंड को न्याय दिलाने के लिए वो आगे आएँ, पूरा बुंदेलखंड क्रॉस पार्टी लाइन उनके साथ खड़ा होगा। अभी आपने कहा कि उमा भारती जी अगर पृथकराज बनता है बुंदेलखंड तो उसकी पहली मुख्यमंत्री होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट में आपने ये भी कहा था कि कामता प्रसाद सक्सेना जी एक महीने के लिए वो पृथकराज बना था और कामता प्रसाद सक्सेना जी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद पंत जी आते हैं, जो बाबरी विध्वंस मस्जिद के दौरान वो मुख्यमंत्री रहते हैं, वो आते हैं और उस समय वो चीज़ें हटा देते हैं। इस हिसाब से तो दूसरी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बनती है। नहीं, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो नौगांव उसकी राजधानी थी और कामता प्रसाद सक्सेना जी एक महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे जी। उसमें बुंदेलखंड और विदर्भ या बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश दोनों एक साथ जोड़े गए थे जी। फिर एक हिस्से को बंटवारा हुआ तो एक हिस्से को बुंदेलखंड के एक हिस्से को यूपी के साथ जोड़ दिया गया और विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड वाले एक हिस्से को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ा गया। तो वो संपूर्ण बुंदेलखंड तब नहीं था, वो विंध्य के साथ था जी। अब मैं प्रथम जो बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ वो अब इसका सेपरेट है। और वो भी देखिए, आप 36 रियासतों ने ये मांग की थी कि इस भूभाग को हम तभी सरेंडर करेंगे, भारत के संविधान के साथ जुड़ेंगे, जब हमारे इस भूभाग की यही पहचान बनी रहे, ये बुंदेलखंड के अलावा कुछ ना हो। और इस पे पन्नीकर जो पटेल साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए, उनके दस्तखत हुए और 36 रियासतों ने दस्तखत किए, वो मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्हीं के ही मैंने एक अभी केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, उसका पूरा का RTI से निकाल के, कि ये जो एक निज़ाम, हैदराबाद निज़ाम, कश्मीर और बुंदेलखंड, इन तीन राज्यों को, ये तीन भूभागों को ये कहा गया था कि यू आर फ्री टू टेक योर चॉइस, यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, यू वॉन्ट टू गो विथ इंडिया और यू वॉन्ट टू बी विच एवर वे। तो ये 36 रजवाड़े, राजा रजवाड़े एक साथ इस शर्त पे माने थे और वो शर्त आज तक नहीं पूरी हुई। अच्छा। वो उस पर दस्तखत हुए और ये कहा गया कि ये क्षेत्र बुंदेलखंड बनेगा केवल एक महीने के लिए, जो आपने बात कही, कामता प्रसाद सक्सेना जी बने, नौगांव उसकी राजधानी बनी और एक महीने बाद वो पंत जी ने दो भागों में बांटा,
एक मैं यूपी चला गया और एक मैं बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में चला गया। तो ये तो हुआ है और ये नेहरू जी कहते रहे कि ये जो ब्याह हुआ है और जो जो मिसमैच शादियां हुई हैं कुछ दिनों बाद इनको ठीक कर दिया जाएगा, अभी फॉर द टाइम बीइंग हम इसको ऐसे ही चलने देते हैं कि देश को अभी एक साथ होना है। तो सब ने भरोसा किया। आज जो अनरेस्ट है, आज जहाँ जहाँ भी है, ये बेमोल गठजोड़ का ही तो है। बिल्कुल। आप तेलुगु तमिल का जो था, आप आंध्र प्रदेश और इन तेलंगाना वालों का था, आप देखें ना उनको कितनी दिक्कत हुई। इसी तरह हमारा है, हम बार बार कहते हैं विदर्भ और आपका महाराष्ट्र का है, जबकि विदर्भ की तो अपनी खुद की असेंबली है, उनका विधानसभा है, उनके सब कुछ हो चुका और उनको उठा के महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया गया। गुजरात और महाराष्ट्र एक थे, 7 जजों की बेंच ने फैसला किया जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए। आज गुजरात और वो दोनों कितने, देखिए आप तरक्की कर ही रहे हैं दोनों महाराष्ट्र। हम इसी तरह इस देश को अगर आप छोटे राज्यों में नहीं बांटेंगे, ये देश में 22 से लेके 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, आप कैसे संभालेंगे। हम ही कह रहे हैं योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। आपकी नज़र सूक्ष्म होगी लेकिन वो जो परिणति है, जो घटनाएं हैं, वो तो घटनी है। एंड आई स्टिल बिलीव, और ये अम्बेडकर साहब ने भी कहा, ये गांधी जी ने कहा कि सत्ता को आपको बांटना पड़ेगा, सत्ता एक जगह अगर रहेगी तो उसका दुरुपयोग होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हैज टू बी देयर, और वो तभी होगा अब इस देश को आप छोटे छोटे राज्यों में बांटेंगे। सर, आपने अभी अपनी बातों में कहा कि आपने अपील किया है, जो आपके पास 36 रियासतों का जो वो डॉक्यूमेंट्स है, क्या मैं जान सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन सिचुएशंस क्या है उसके? उसमें कुछ RTI से हमने जवाब मांगा है, इन्होंने कहा 1950 के पहले की जितनी भी संधियाँ थी उनके हमारे पास है नहीं, फिर भी हम 2 जगह से, एक राजा हैं पन्ना के, उनके पास कुछ दस्तावेज हैं, एक टकटोली वाले महाराज हैं उनके पास हैं, हम वो लेके आ रहे हैं। तो वो स्टिल इन सुप्रीम कोर्ट, अब उस पर कब सुनवाई होती देखते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। हम देखें किसी एक व्यक्ति विशेष को, किसी एक समाज के लिए नहीं, हम एक भूभाग के लिए बात कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं आई है आज तक, एक्सेप्ट आपने उमाजी का नाम गिनाया। आप पूरे बुंदेलखंड से एक लीडरशिप उठाइए जो वहाँ के लिए लड़ा हो, खड़ा हो और मरा हो। इस तरह से कोई एक बड़ा नाम एक सेंट्रल व्यू में नहीं आया, सिनेरियो में नहीं आ पाया, और हो सकता है वहाँ की जो पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ के लोग शायद नहीं बाहर निकलना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको सिर्फ अपने खाने पीने रहने से शायद ज़्यादा। बिल्कुल, एक इन ए वे आपकी बात सही भी है, वो इतने प्रताड़ित हुए हैं। आज़ादी के पहले तो जो था, आपने खुद ही कहा, राजा रजवाड़ों का, जमींदारों का, चौधरियों का एक वो प्रताड़ना थी। उसके बाद जो लीडरशिप चुनी गई वो एज इट इज़ सत्ता का केवल हस्तांतरण हुआ है, अंग्रेज चले गए लेकिन वो जो राजा रजवाड़ों का जो था जमावड़ा, वो बिल्कुल वैसे ही रहा। तो जनता को अगर पॉलिटिकल जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता और वो जनता को लेके साथ आता ऊपर, वो उसी समाज का हिस्सा हो गया जो चुन के आया, जो समाज रूल कर रहा था, जो उसको परेशान कर रहा था, तो वो जो डेवलपमेंट था वो कुछ ही परिवारों का हुआ, डेवलपमेंट इन सच सबका नहीं हुआ है। और वही स्थिति है कि आप 67% पलायन है, 48% बिलो पॉवर्टी लाइन है, 53% हम लोग अनएजुकेटेड हैं। हाँ, स्टिल आप हम बराबर कहते आ रहे हैं। हमने पिछली बार जब राहुल जी को बात कही थी तो वो हंसे थे, हमने कहा था यहाँ लोग घास की रोटियाँ खा रहे हैं। फिर एक आपके NDTV चैनल ने जब सर्वे किया तब पाया गया कि वहाँ लोग आज भी घास की रोटियाँ खा रहे हैं। एक टाइम का खाना अगर पूरी तरह मिलता है, बहुत सारे लोगों को तो बने सहीबदार हैं। आप चित्रकूट से लेके सतना वाले रास्ते में हम चल के जाइए, आप उस जंगल से गुजर नहीं सकते, वहाँ आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, जामुन का सूप पीते हैं और जड़ें खोद खोद के उनको खाते हैं। ये सच्चाई है उस बुंदेलखंड की। अब इस सच्चाई को कौन किस तरह से आप रोकेंगे? बीच में राहुल की बात आई, तो राहुल गांधी ने UP 1 में या UP 2 में शायद इसके लिए 7,600 करोड़ रुपए आवंटित किया था, जिसको
उत्तर प्रदेश का भाग जो बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का भाग था और जो एमपी का भाग था उसमें विकास कार्यों के लिए बांटा जाना जी, उसका क्या हुआ? 7,622 करोड़ रुपए का एक पैकेज था जिसमें शरद पवार जी का बड़ा योगदान था, मान्य दिग्विजय सिंह जी का, और हम सब लोगों ने, बुंदेलखंड वासियों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। मैं, मेरे साथ भानु सहाय जी, राजेंद्र यादव, अशोक सक्सेना जी, हरिमोहन विश्वकर्मा जी, ये 10-15 लोगों का ये था। और उस वक्त लगभग ये तय हो चुका था कि बुंदेलखंड अब बनेगा, क्योंकि सरकार ने ऑन पेपर बुंदेलखंड को एक्सेप्ट कर लिया था। उसमें कुछ जिले छूटे थे जो बाद में हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी। अच्छा। तो ये कहा गया था कि पहले तो जहाँ पे त्रासदी है और ये जो सूखा आई है इस पर ये पैसा बढ़ जाने दीजिए। तो एक बड़ा पैसा उत्तर प्रदेश में गया, जो मायावती ने मार अपने हेलीपैड बनवा डाले, अपने जितने भी ऑफिसेज उनके बंकर बन चुके थे, चढ़ चुके थे, उनको कर दिए। बुंदेलखंड का वो पूरा का पूरा पैकेज इतना बर्बाद हुआ है आप सोच नहीं सकते। आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी गल्ला मंडियां खड़ी कर दी जहां पे कोई किसान नहीं जाता। बल्कि अभी हमने योगी जी को कहा, जब बुंदेलखंड विकास बोर्ड की मीटिंग हुई, कि अन्ना प्रथा, जो गायों की प्रथा, जो प्रॉब्लम है, जानवर जो सड़क पे आ जाते हैं, फसलें खाते हैं, हमने कहा जितनी भी गल्ला मंडी है आपकी बनी है, आप इनको सबको इनको गौशाला बना दीजिए। उस पैसे का दुरुपयोग देखिए, इस पैसे को पानी के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपको रखना था, उस पैसे से आपको एजुकेशन के लिए था, उस पैसे के लिए आपको टूरिज्म पे था, वो पैसा इस तीनों मद चारों मद में आया ही नहीं। एक्सक्लूसिवली जो उनका लगा उसके बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश जी ने उसको जैसे भी इस्तेमाल, क्योंकि जैसे भी नहीं, आप बताइए, सरकार की समस्या ये है। मैं आपको बताऊँ, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता, और यही मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी मैंने अमित शाह जी को और मोदी जी को लिखा था कि पैसा के लिए आप पैसा देते हैं राज्य सरकार को जी। राज्य सरकार सीएम उठा के एक डिपार्टमेंट को, जैसे एजुकेशन में पैसा जाता है तो एजुकेशन सेक्रेटरी के पास पैसा जाएगा, एजुकेशन सेक्रेटरी उस कमिश्नरी में पैसा भेजेगा, कमिश्नरी से डीएम के पास जाएगा, डीएम फिर एसडीएम को देगा, एसडीएम फिर पटवारी को देगा, तो जो वो जो चलन है वो ऐसे ही है। आप उसमें किसी लोकल आदमी को नहीं जोड़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें एक किसी अक्रॉस पार्टी लाइन, पत्रकार को जोड़िए, अध्यापक को जोड़िए, वकील को जोड़िए, डॉक्टर को जोड़िए, एक समाज के एक ऐसे व्यवस्थित किसी आदमी को जोड़िए जो 5-6 लोग हों जो फैसला करें कि साहब ये जगह ये पैसा आएगा तो ये इससे हमारे समाज को फ़ायदा होगा, यहाँ से लोगों को फ़ायदा होगा। और ये उसी में 7,622 करोड़ में हुआ, और अभी मोदी जी यही कह रहे हैं, इसीलिए अब डायरेक्ट जो किसान के खाते में पैसा जा रहा है, जो आप उस विडो के खाते में पैसा जा रहा है, और यही कि अब दस्तखत की भी नहीं, अब तो वो अंगूठे की बात है, अगर अंगूठा मैच होता है तो ही वो पैसा ट्रांसफ़र होगा। और ये बात मैं बहुत सालों से बराबर कहता आ रहा हूँ, और ये गांधी जी, राहुल, राजीव गांधी का कहना ये था कि हम 100 देते हैं तो 15 पैसे पहुंच रहे, बाकी सब गायब हो रहे हैं। लोहिया का भी वही सीन था कि वो कहते थे 100 रुपए दिल्ली से चलता है और यहाँ पर वहाँ 15 पैसे ही पहुंचते हैं या 25 पैसे जो भी, लेकिन उनका स्टेटमेंट था। और ये बात नोटिस की गई और उसके चलते ही अब ये जो डिजिटल जो एक ट्रांसपेरेंसी और एक डिजिटल जो आपका पैसे की एक जो भूमिका आई है वो बहुत ज़रूरी है, और इससे हम लोग बहुत बच गए हैं। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि वहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई भी, हम अभी भी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उसमें मीटिंग में यही कहते हैं कि सर एक टीम हमें ऐसी बनानी पड़ेगी जो सरकार के केंद्र की जो योजनाएं हैं और जो आपकी राज्य की योजनाएं हैं वो उस आदमी तक पहुंचा के समझाएं उसे। आपने योजनाएं तो बना दी, वो हाँ वो एक मिडिल जो मैन है ना, जो इस जो पुल को क्रॉस करके उनको बता दे, उनको अभी भी वही पटवारी बताएगा कि देखो तुम्हें, और उसमें पटवारी का अपना एक हित होता, हाँ वो जितना सेलेक्टिव जो होते ना कि हमें इतने ही इसको बताना है, इससे ज़्यादा अगर इसको ज्ञान मिल गया तो ये ज्ञानी हो जाएगा, फिर हमारा फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। वो भूमिका ख़त्म करने के लिए हमने, बल्कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड में भी सजेस्ट किया है माननीय योगी जी को कि आप एक उस गाँव की, उस शहर की एक टीम बनाइए जो उस शहर के प्रहरी हों। आप 9,000 करोड़ की योजना आप भेज रहे हैं, वो कहाँ कैसे जा रही है किसी को पता ही भी नहीं चल रहा है, वो पेपरों पे आके लोगों की चली जाती है और पेपरों पे आके ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़, और ये आज़ादी के पहले हम जैसे ही आज़ाद हुए, मेरा मानना है कि ये हमारा फ़र्ज़ था, हम पढ़े लिखे लोगों का,
कि जो जब अंग्रेज गए तो हम उस समाज को जो अनपढ़ और उतने शिक्षित नहीं थे, तो हम कुछ नहीं करना था, उनको पढ़ लिख के ऊपर लेके आना था। अगर वो पढ़ लिख के जब आपके बराबर आ जाते तो फिर ना तो उनको आरक्षण देने की ज़रूरत थी, ना आपको योजना देने की ज़रूरत थी, वो अपने सक्षम हो जाते। हमने क्या किया, अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो बेचारे गरीब गुरबा अनपढ़ थे, हम उनके ठेकेदार हो गए। हमने उनको लिए सोचना शुरू कर दिया कि ये इसमें खुश रहेगा, इसको इतना दे दो, इसमें इसको शांति होगी, और वो फिर नाकारा होते चले गए। हम उनके व्यक्तिगत विकास के बारे में बिल्कुल हमें नहीं सोचना चाहिए था, हमें बल्कि उनको सहारा देना चाहिए था कि हाँ तुम खड़े हो अपने पैरों पे। और आज देखिए, यही हमारा दुर्भाग्य है कि जो क्षेत्र पीछे थे वो बराबर वैसे के वैसे, क्योंकि जब तक आप नीचे के आदमी को नहीं खड़ा करोगे, आप पेड़ को ऊपर से कितना भी साफ कर लो, कितना भी ट्रिम कर लो, जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ मजबूत नहीं होगा। सर सर, जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे उनकी कुछ फिल्में भी याद आ रही हैं और कुछ फिल्मों के सीन भी याद आ रहे हैं, जिसमें वो एक सीन याद आ रहा है कि गोविंदा जी आगे खड़े हैं और वो पीछे छोटे भाई के तौर पर खड़े हुए हैं स्वर्ग पिक्चर में, और एक पिक्चर है जिसमें अनुपम खेर जी वो कॉमेडी सीन बार बार सोशल मीडिया में इतनी बार शोला और शबनम का श्रीदेवी की तस्वीर लेके और आप लोग परेड कर रहे होते हैं, चक्कर कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं अनुपम खेर को, और बड़ा खुरापाती उसका रात में प्लानिंग करते हैं सारी चीज़ें। एक वो भी छवि है सर का, और एक वो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद, जब आपके सीनियर्स जैसे नसरुद्दीन शाह साहब थे, राज बब्बर जी थे, उन्होंने एक पहचान बनानी शुरू कर दी थी, एक लेवल अपना खड़ा कर दिया था, और उसका जब आप गए तो आपका स्टेटमेंट है कि ओम पुरी साहब ने आप पर हाथ रखा। हाँ, बहुत उनके संस्मरणों को कुछ थोड़ा सा एक दो किस्सा बताइए। देखिए, वो एक दौर ऐसा था जब सिवाय ड्रामा के कुछ था भी नहीं यहाँ पर, दिल्ली में भी और बॉम्बे में भी। बॉम्बे में सिनेमा के लिए बहुत लंबा संघर्ष था, न टेलीविज़न आया था, टेलीविज़न अगर भी था तो दूरदर्शन था, दूरदर्शन पर भी एक्टर के लिए बड़ा लंबी लाइन थी, और तीन ग्रेड के एक्टर होते थे, ए बी सी, तो सी वाले केवल नारे लगाते थे, बी वाले दो चार डायलॉग, और ए वाले मेन रोल करते थे। हम लोग यहाँ पर NSD पास आउट करने के बाद 6 महीने मैंने यहाँ की नेशनल रेपेट्री कंपनी जो है दिल्ली की, उसमें काम किया, और फिर ये लगा कि ये शायद हमारे लिए नहीं, यहाँ से आगे भी जाना होगा। बॉम्बे गया मैं, बॉम्बे 3.5 महीने हम लोग, मैं खासकर BT स्टेशन पे सोया, मेरे एक साथ दीपक काजर थे, तो हम दोनों मित्र, और वहाँ पे ओमपुरी साहब ऑलरेडी पहुँच चुके थे और उन्होंने एक नाट्य संस्था बनाई थी मजमा, और पहला प्ले हम लोगों ने, ओमपुरी जी ने जब हमको लिया तो उद्धस्त धर्मशाला करके पहला नाटक, और उस ज़माने में पृथ्वी थिएटर तब आया भी नहीं था, एक दादर में छबिल दास करके एक हॉल था छोटा सा शादी ब्याह वाला, उसमें हम लोगों ने पहला, जबकि थिएटर का कोई नामो निशान नहीं था, हाँ उसके और भी पहले 78 अरविंद देश पांडे जी थे, सुरभा देश पांडे जी के हस्बैंड वो, और एक हमारे सीनियर रोहिणी अटंगड़ी जी के पतिदेव जयदेव भतंगड़ी जी, वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत प्ले करते थे, वो भी मराठी जी। हिंदी प्ले शुरुआत की ओमपुरी ने, अनिल चौधरी साहब डायरेक्टर थे, और हम लोगों ने, फिर जेनिफर कपूर जी आए, शशि कपूर जी ने तब ये पृथ्वी थिएटर बनाने की बात कही, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। उन दिनों जेनिफर जी खुद चाहती थी कि वहाँ पर पृथ्वीराज जी के नाम से एक रेपेट्री कंपनी बनाई जाए, और हम जैसे जो NSD से आए हैं, जो दूसरी जगह से ट्रेंड इंस्टीट्यूट से आए, उनको रखा जाए, और उनका काम केवल ये हो एवरीडे एक दो प्ले की परफॉर्मेंसेज हों, और बेचारी चली गई। लेकिन हेड्स ऑफ फॉर बोथ ऑफ देम कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बना के गई वो पृथ्वी थिएटर, जहाँ हम लोग ऐसे खड़े होकर प्ले दिखा के झोली फैलाते थे कि कोई कुछ डाल जाए, आज वहाँ की टिकट 1,000 कम से कम है, फिर ऊपर 5,000 तक है, और वहाँ का रेस्टोरेंट ताज चलाता है, जहाँ पे हम लोग 25 पैसे की चाय भी नहीं पी पाते थे। सो एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और मोस्ट कमर्शियल जगह पे उन्होंने नुकसान करके भी थिएटर रन किया है, ये इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। उस जगह को बेच के वो लाखों करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन कर्जे में रह के भी वो पृथ्वी थिएटर चलाया, और इतना बड़ा देखिए शशि कपूर का कंट्रीब्यूशन, पैरेलल सिनेमा को उन्होंने खड़ा किया, खुद बर्बाद हो गए, 36 चौरंगी लेंग उन्होंने बनाई, फिर उत्सव बनाई, फिर आपकी कलयुग बनाई, और मोस्ट
मोस्टली फिल्मों में जुनून, मोस्टली फिल्मों में उनको फ़ायदा नहीं हुआ, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला है। लोग कुछ भी कहें, उन जैसा व्यक्तित्व और उनकी पत्नी उतनी ही थी, जेनिफर भी उतनी ही कंसिडरेट थी। सो हैट्स ऑफ, हम तो लाखों लोगों को यही कहते हैं कि अगर आज पृथ्वी थिएटर नहीं होता तो हम लोग खड़े नहीं हो पाते थे। ओम पुरी, नसीर साहब, राज बब्बर, नादरा जी, ये सब एक हिस्सा थे, सब ने वहाँ जा के काम किया और उन्होंने सब कुछ सराहा और सपोर्ट किया। और उनके यहाँ एक और अच्छी बात थी, आप दर्शकों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग, जो शराब पीता था, तो अगर आप एक्टर हैं तो आपको वही शराब मिलती थी, आप बता दें, जो सिगरेट आप पीते थे वही मिलती, और खाने का उनका कुक जाता था 100-200 लोगों के लिए। विजेता हम लोग कर रहे थे, विजेता ख़त्म हो गई थी, मैं उन दिनों ना सिगरेट ना शराब कुछ नहीं था, हम भी भूल भाल गए, हमारा पेमेंट हो गया जी। एक दिन मुझे उन्होंने कहा, मैनेजर साहब ने कहा, आपको शशि जी याद कर रहे हैं, पृथ्वी थिएटर है तो बिल्कुल सामने शशि कपूर जी का ऑफिस था, अब टूट गई वो बिल्डिंग, पृथ्वी झोपड़ा उसको बोलते थे। तो हम गए, मैंने सर, बोले तुम्हारा कुछ पैसा बाकी है ऑफिस, मैंने कहा सर मेरा तो पेमेंट हो गया, बोले नहीं नहीं वो मैडम बता रही थी, वो जेनिफर आई, ओ यू वर नॉट ड्रिंकिंग एंड यू वर नॉट स्मोकिंग, सो 16,000 रुपीज़। मतलब जो लोग पी रहे, हाँ जो लोग पी रहे थे उनका, सो दैट्स वो दे, दैट्स हाउ दे हैव लव्ड एवरीबॉडी एंड रियली हम तो बहुत, हाँ हमको तो वो कहते थे दत्तक पुत्र। तो ये बहुत, ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब जो आसमान खुल गया है, अब संघर्ष खत्म हो गया है, आप में अगर टैलेंट हैं तो आप टेलीविज़न, आपकी सोशल मीडिया, वेब सीरीज़ आ गई है, आपकी रीजनल सिनेमा खड़ा हो गया है, आपका ये पैरेलल सिनेमा भी है, कमर्शियल सिनेमा, बट लेकिन वो दिन बहुत कठिन थे। मतलब आप ये सोचिए कि आपके पास कोई आदमी नहीं था जिससे आप बात करें, बॉम्बे इतना क्रूअल शहर है, लोगों को अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे की व्याधियाँ क्यों पकड़ें। तो आप, हम और सतीश कौशिक हमारे एक मित्र हैं, हम लंच करके ट्रेन में अंधेरी जाते थे, अंधेरी से चर्च गेट 2 घंटे हम, क्योंकि फ्री एक पास बना लेते तो ट्रैवल करते थे। आप तो दुनिया बदल गई, एवरीथिंग हैज चेंज, और अच्छा है। मुंबई के लिए तो कहा भी जाता है दिल्ली है मुश्किल, जीना है यहाँ, ये है मुंबई मेरी जान। एनएसडी के मेमोरीज़ में एक चीज़ जो है मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सर बुंदेलखंड के ललितपुर गांव से हैं और अपनी भाषा से, उनको हिंदी भाषा जो उनकी ब्रज भूमि की भाषा थी उसे वो बहुत लगाव रखते थे, और अंग्रेजी के नाम पे नीलबटे सन्नाटा थे शुरुआत के दौर में जी जी। और एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि अंग्रेजी सीखते कहाँ से हैं, वो अंग्रेजी सीखते हैं फिल्म फेयर मैगजीन से जो रद्दी में फेंकी रहती थी, और वहाँ से उन्होंने सस्ते में खरीद कर, वो किस्सा थोड़ा सा बताइए, वो क्या दौर रहता था हिंदी और अंग्रेजी। हम लोग, एक ज़माना था कि वो अंग्रेजी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन चला था, मुलायम सिंह शायद उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और मैं उसका एक मेन था कि अंग्रेजी पढ़े कौन, हमने भाषा ही हटवा दो। तो आगे जब एनएसडी में आए तो वो एनएसडी में लुक वुक, थोड़ा योगा, थोड़ा बोलचाल की वजह से एडमिशन तो हो गया, लेकिन जो क्लासेस थी वो सारी अंग्रेजी में थी, बड़ा मुश्किल था। तो मैं, हमारे अलकाजी इब्राहिम अलकाजी साहब हमारे डायरेक्टर थे, तो मैं गया, मैंने कहा सर बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। बोले क्यों, क्या हुआ? वो टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, क्या व्हाट क्या हुआ बट पेपर। हमने कहा सर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मैंने कहा मैं तो अंग्रेज़ी बोल भी नहीं पाता हूँ और लिखने की तो छोड़िए, नहीं नहीं ऐसे नहीं, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तुम क्या करोगे? हमने कहा सर बताइए। बोले हिंदी में लिखो अपना पूरा जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम ट्रांसफर, नहीं हमने कहा लेकिन फिर भी भाषा तो सीखनी पड़ेगी, हाँ ये तो मैंने कहा भाषा तो सीखनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुमको क्या अच्छा लगता है, क्या बहुत पसंद है? हमने कहा मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। तो बोले फिर सिनेमा की कौन सी अच्छी मैगजीन आती है? हमने कहा सर हिंदी की। तो बोले नहीं नहीं इंग्लिश की। तो उन्होंने फिल्म फेयर बताया, फिल्म फेयर में भी एक आईएस जौहर का कॉलम आता था, अच्छा। वो बहुत फ़नी था, उनके क्वेश्चन आंसर्स थे उनके, वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की। मैंने, मेरे साथ रघुवीर यादव मेरा क्लासमेट है, उसने फिर भी नहीं सीख पाई। फिर मैंने, उन्होंने स्पोर्ट्स मैगजीन का मुझसे कहा कि तुम स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ो, और बोले जब थोड़ा बहुत हो गया तो बोले अब तुम बोलना शुरू कर दो। अरे मन का सर मुझे तो कुछ नहीं। बोले सामने वाले को अनईजी होगा ना, तुम तो अपना बोलते रहो, अगर उसमें ठीक है तो वो करेक्ट कर देगा। सो यू वॉन्ट बिलीव दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एंड मैंने कभी कोई वैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ी है जो क्लास में बैठ के ए बी सी, हाँ वो कभी नहीं।
लेकिन हाँ ग्रेजुअली अलकाई साहब का हाथ रहा, फिर लोगों की कंपनी, और मेरी बीवी डबल एम ए, एक इंग्लिश में और एक साइकोलॉजी में, तो आप सोचिए हम लोगों के बीच में क्या संवाद होता होगा। लेकिन खूब एनएसडी का ये, और एक एक और बड़ा अच्छा किस्सा है जो हमारे पास, हम लोग, मैं और रघुवीर यादव बगैर स्कॉलरशिप के थे और रहने की जगह नहीं थी। वो आपका एडमिशन फॉर्म आपके पिताजी ने फाड़ दिया होता, इसलिए आप बिना स्कॉलरशिप वो फाड़ दिया। तो हम लोग ओपन एयर थिएटर है यहाँ पर रविंद्र भवन में, आप कर जब जाएं बारह खंबा रोड पर जी। तो हम उसके नीचे सोते थे अपने एक एक चादर और दरी बिछा बिछू के। वो उसने वॉचमैन ने कंप्लेंट कर दी, तो अलकाई साहब कहीं गए हुए थे शायद, उन्होंने कुछ लीव ली थी और हमें 500-500 रुपये फाइन हुए कि आप लोग बगैर परमिशन के उसमें ओपन एयर थिएटर में क्यों सोते हैं। हमारे पास 500 रुपये होते तो हम कमरे ही किराए पर ले लेते। तो बहुत दिनों बाद इब्राहिम अलकाई साहब लौट के आए और उन्होंने हम दोनों को बुलाया, मुझे और रघुवीर यादव को, व्हाई डोंट यू पे द फाइन, योर नेम इज़ देयर ऑन द बोर्ड। तो हमने कहा सर हमारे पास तो नहीं है पैसे, हम कहाँ से दें। बोले अच्छा क्या किया तुमने। हमने कहा सर हम ओपन ईयर में सोते थे। ओपन ईयर में वाई यू स्लीपिंग इन ओपन ईयर। हमने कहा सर हमारे पास जगह भी नहीं, कहाँ सोएं। तो बोले किसने ये फाइन लगाया। बोले जैन साहब ने। बोले कॉले और आप सोचिए हम लोगों का फाइन उन्होंने माफ़ किया और हमसे ये कहा कि प्लीज़ वेट, आप लोगों को जगह मिलेगी और रखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को अलकाई साहब ने मदद की और वो दूसरे जो हमारे जैन साहब थे वो हमेशा इतना प्रताड़ित करते थे, वो कोई ना कोई चीज़ अगर मिल भर जाए और पनिश करते थे। 3 महीने हम लोग, 3-4 महीने ओपन ईयर में हम लोग सोए रघुवीर यादव, फिर रघुवीर के पास अपनी एक जगह हो गई, हम लोग धोबीबाड़े में चले गए। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अलकाई साहब ने मुझे स्कॉलरशिप भी दी और हॉस्टल में जगह भी मिली। उस दौर में आप लोग पैदल भी 7 से 10 किलोमीटर तक लगभग पैदल और वो मैं कालकाजी में रहता था, कालकाजी में एक, ये उसी ज़माने में था जब पैदल हम थक गए थे तो हमने कहा यहीं रहते हैं। कालकाजी में हमारे एक चितरंजन पार्क में एक रिश्तेदार थे शुरू में ही, और यहाँ हमारे पास हॉस्टल की जगह नहीं थी, तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए आप शेल्टर दे दें। तो उन्होंने अपने छत पर, उनका नौकर था और उसी के बगल में एक और कमरा था, उन दिनों बहुत था इतना, और सुबह 9 बजे क्लासेस होती थी और वहाँ का 45 पैसे या 50 पैसे कुछ था बस का किराया, आने जाने का 90, मतलब 1 रुपया वो भी नहीं था। तो मैं 7 बजे वहाँ से चलता था और फिर पहुँचता था, कभी लिफ्ट मिल जाती थी कभी नहीं। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा था, मैं माउथ ऑर्गन बजाता था जी। तो मैं बजाते तो कई बार लोग उठा के बैठा लेते थे, फिर वो इतने सवाल, फिर वो अंग्रेज़ी में सवाल पूछते तो और मुश्किल होती थी जवाब देना, तो हमने फिर लिफ्ट लेना ही बंद कर दी। हमने कहा वेयर यू स्टडी, व्हाट यू डू, व्हाट इज स्कूल ऑफ ड्रामा। पर लेकिन वो एक मजबूत दो ढाई महीने हम पैदल चले, फिर यहाँ के एनएसडी में थोड़ा बहुत रेस्ट हो, फिर अपने पढ़ाई। परिवार से आके ये अंदर से आपको कभी झुंझलाहट नहीं हुई कि मैं इतना डाउन, मतलब इतना एडजस्ट कर रहा हूँ जीवन में इतना? नहीं, पर किसी ने मेरे ऊपर बंदूक थोड़ी रखी थी, कोई ऐसा थोड़ी है। आप अपनी ज़िंदगी को खुद चुनते हैं। अगर मैं वहाँ रहता तो आज भी मैं आप बता दूँ, मैं या तो गोली खा के अब तक मर चुका होता कि, या फिर किसी 5-6 केसेस में जेल में होता, किसी की लड़की का और किसी की ज़मीन का, किसी के संपत्ति का विवाद में फंस जाता। कि वो उस वक्त जो माहौल था, मैं आज भी अपने पीछे मुड़ के जब उन लोगों को देखता हूँ, हमसे बहुत ज़्यादा गुड़ी लोग थे, लेकिन आप किस सर्कल में रहते हैं, किस समाज में जीते हैं, किस विचारधारा में आप उठते बैठते हैं, वो आपको प्रभावित करती है। और वहाँ से मैं निकलना चाह रहा था, मैं कहीं और चला जाता। ये सिनेमा तो वो भी एक वैसा था कि किसी ने मुझे बताया कि एनएसडी में तुम एडमिशन ले लो, तुम्हारी शक्ल अच्छी है, योगा व्योगा करते हो, थोड़ा हंसाते हो भी, तो हाँ। तो वो उस तरह का दौर था, मैं आर्मी में चला गया होता या कहीं और चला गया तो। पर लेकिन वहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। जो आपने बात कही ना कि ये सब आप सोचते नहीं, अभी बुंदेलखंड के लिए मुझे विद्यासागर मुनि महाराज जी ने चपाती चावल चीनी चारपाई छोड़ने को कहा, 8 साल से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये किसी ने थोड़ी कहा, आपसे कोई कहता थोड़ी है। आप अपनी ज़िंदगी के जो आपकी सोच है, आपके विचार हैं, उनके प्रति आप अगर कमिटेड हैं तो फिर आपको फैसला और रास्ते भी उन्हीं उसी तरह के लेने होते हैं।
कहा जाता है कि सियासत ने जब जब तथ्यों को झुठलाया है, जन विरोधी की आंधी ने उनको सबक सिखलाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजा बुंदेला जी इनमें से एक हैं और वो बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अपने आखिरी प्रश्नों में, या प्रश्न नहीं, एक वार्ता के तौर पर, साक्षात्कार के आखिरी पड़ाव पर, ये प्यारा सा किस्सा कि राजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला से राजा बुंदेला नाम कैसे पड़ा? पृथ्वी थिएटर में हम लोगों के प्लेज हुआ करते थे, ऐसी जगह थी जहाँ पर किसी फिल्म की कास्टिंग के लिए मेन रोल को छोड़कर कैरेक्टर एक्टर, वो दौर तब ऐसा हो गया था कि स्कूल ऑफ ड्रामा के जो लोग आते हैं एक्टर, वो बड़े अच्छे सेट पे टाइम कम खराब करते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, याद कर लेते हैं डायलॉग, ये सब वो एक थोड़ा बहुत सुख पकाट शुरू हो गई थी, ओमपुरी और नसीर वगैरह सबके सीनियर के चलते। तो लोग जिनको कास्टिंग करनी होती थी वो पृथ्वी थिएटर में आते थे और अपने देखते। तो एक शिव कुमार जी हैं, वो उन दिनों ब्रजभूमि बना रहे थे, पहली नहीं दूसरी कह सकते, पहली तो आधारशिला, पहली आधारशिला, लेकिन ये बड़ी फिल्म थी। आधारशिला में तो रिलीज होने में बहुत दिक्कत हुई, हम लोगों ने खुद ही रिलीज की, पोस्टर खुद लगाए रीवगल पर, नीना, हम सब लोग, नसीरुद्दीन शाह, इवन अनीता कंवर। तो ये शिव कुमार जी प्ले देखने आए और हम लोग, कौन सा गिद्ध प्ले था विजय तेंदुलकर साहब का, इनका मैसेज आया भाई, वो पृथ्वी थिएटर पर ही खबर देते थे, उन दोनों मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं और हमारे पास इतनी औकात भी नहीं थी कि लैंडलाइन फ़ोन हो। तो वो पृथ्वी पर उनका आया प्रोडक्शन वाला कि आपको शिव कुमार जी बुला रहे हैं, नॉर्थ बॉम्बे में रहते थे। हम गए, बोले भाई राजा तू तो बड़ा अच्छा एक्टर है, तेरे को हम लेना चाह रहे हैं अपनी फिल्म में। तो हमने कहा साहब, भाई साहब इससे बड़ी क्या बात है। बोले तेरा कॉन्ट्रैक्ट ये और वो होगा। राजा नाम पूछा तो मैंने कहा राजेंद्र बहादुर प्रताप सिंह बुंदेला, कुंवर राजेंद्र बहादुर प्रताप सिंह बुंदेला। हाँ, तो बोले पागल हो गए, तेरा ही नाम से स्क्रीन भर जाएगा, बाकी के नाम आएंगे कि नहीं आएंगे जी। तो हमने कहा सर अब नाम तो यही है। बोले नहीं नहीं बेटा, एक काम कर ले, रोल कर ले या नाम रख ले। तो हमने कहा साहब ऐसा नहीं करिए, अब तब तक मुझे मोह जाग गया था, मेन रोल और 45 दिन की शूटिंग और अपने ही क्षेत्र में ब्रिज में। मैंने कहा सर एक रात तो दे दीजिए, कल आता हूँ मैं। तो कल क्या करेगा? मैंने कहा कल बताऊँगा नाम रहेगा या काम रहेगा। हाँ हाँ, बहुत रात में सोचता रहा मैंने कहा क्या करूँ, बुंदेला हटाऊँगा तो मारा जाऊँगा और इतना ही है। तो मैंने सब कुछ हटा के राजा रख दिया जी। अच्छा। हमने कहा परिवार राजा का रजवाड़ा भी रहेगा और बुंदेला का बुंदेला रहेगा। सुबह ही 8:30 बजे उनके यहाँ पहुँच गया। अरे बोले इतने जल्दी? मैंने कहा सर रोल चला जाता, नाम पे हो गया काम। बोले क्या? मैंने कहा राजा बुंदेला। अरे भाई वाह वाह। सो इस तरह राजा बुंदेला पड़ा नाम। मेरे घर वालों को तो बहुत दिनों तक यकीन नहीं हुआ जब तक फोटो नहीं देखी। मेरे पिताजी से मैं 6 साल मिला नहीं था, भागा आया था घर छोड़ के। तो जब वो RS बुंदेला, राजेंद्र बहादुर सिंह प्रताप सिंह बुंदेला लिख, जब उन्होंने कहा ये राजा बुंदेला कौन है, तब फोटो, अबे ये तो अपना ही बेटा है, ये हुआ था। फिर बाद में फिर बड़ी दिलचस्प जिंदगी खूब भर जी है। हम तो ऊपर वाले से यही कहते हैं कि जो आदमी जिस तरह से जिए उसको उस तरह से जीने की ताकत दे दे, एंड इट्स अ वंडरफुल लाइफ। और मैं उम्मीद से ज़्यादा मिला है मैं तो ये कहता हूँ, वरना गांव, आपने कहा ना गांव देहात का लड़का कब मरमरा गया होता और किस्सा कहानी भी नहीं बन पाता। अब तो कम से कम किस्सा कहानी आप बना ही देंगे। लगभग जितना जिया खुलकर जिया सर, बुंदेलखंड राज बस बनवा दीजिए तो हमारे लिए एक एक सपना ये पूरा हो जाएगा। भाजपा सरकार की नियत और नीति साफ है, आपने कहा बिल्कुल, छोटे राज्यों के प्रति समर्पित है, समर्पित भी है, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में भी कहा है। तो बिल्कुल दिस संडे पोस्ट ये कामना करता है कि पृथक राज्य बुंदेलखंड जल्द बने और पहली मुख्यमंत्री उमा भारती जी बने, मुख्यमंत्री सर बन जाए या ये मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके विकास के लिए, लगभग 5 करोड़ आबादी के विकास के लिए, दोनों दोनों प्रदेशों के। लेकिन जाते जाते खत्म करते करते बुंदेली भाषा में, क्योंकि मैं अयोध्या से हूँ तो मेरी तो भाषा, अरे हम खूब ही बोल लेते, आप हमारी काय परीक्षा ले रही हैं। आप संडे पोस्ट के दर्शकों को कुछ शुभकामनाएं देते हुए बुंदेली भाषा में हम एंड कर देंगे। जयराम जी की भैया लोगों, मुजरा पहुँचे, हम राजा बुंदेला आया बोल रहे, जब संडे पोस्ट की ओर से बिन्नू ने तो अच्छा इंटरव्यू लो हम आओ, जब वार्ता भी हमें खूब ही अच्छी लगी,
हमें जो भरोसा है और उम्मीद भी है कि आँखों भी खूब ही नौ नौ लगे, सुनबे में अच्छो लगे और बुंदेलखंड राज बनवावे में आप भी आगे आएँ। जयराम जी की मुजरा पहुँचे जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।